पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सरप्रिया सीता रसोई ट्रस्ट द्वारा संचालित सीता रसोई में आज एक बार फिर से निशुल्क भोजन वितरण किया गया। इस दौरान अध्यक्ष उदयपान सिंह ने बताया कि आज रविवार को सीता रसोई द्वारा महानगर के दो स्थानों पर भोजन का वितरण किया गया। सबसे पहले वृद्धजन आवास मिलन विहार में संस्था के संरक्षक सुनील कुमार शर्मा के निर्देशन में रचित माथुर और जूही माथुर के परिवारजनों के साथ प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में वृद्धजनों को भोजन करवाया। इसके पश्चात दिल्ली रोड पर सीता रसोई भोजन रथ पर टेंट लगाकर पूरी हलवा और फलों का वितरण किया गया। सीता रसोई डॉक्टर आर एन वाजपेयी द्वारा अपनी माताजी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में करवाई गई। सेवा में मुख्य संरक्षक अशोक कुमार शर्मा, ममता वाजपेयी, सुप्रीत सिंह, हृदेश कुमार सिंह, सुधांशु कौशिक, दीपक गुप्ता, जगमोहन गोयल, रूपचंद मित्तल, शरद माथुर, संजीव शर्मा, करुणेश अग्रवाल, राहुल तिवारी, नितिन दीक्षित, अनिल सक्सेना के साथ और भी सदस्य उपस्थित रहे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यह सीता रसोई पिछले 4 वर्षों से अभी सेवा दे रही है और जो महानगर के लोग हैं, महानगर के महानुभाव हैं, वो इसमें अपने प्रियजनों की स्मृति में और बर्थडे में जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर भोजन कराते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज श्री आर एन वाजपेयी जी, डॉक्टर आर एन वाजपेयी जी की माता जी की स्मृति में आज यह भोजन की व्यवस्था कराई गई है। सीता रसोई की रसोई ट्रस्ट के माध्यम से आज शहर में दो रसोई हमारी आयोजित की जा रही है। प्रथम रसोई वृद्धाश्रम मिलन विहार में वृद्धजनों की सेवा में आदरणीय रचित माथुर जी के माध्यम से हो रही है और दूसरी रसोई यहाँ पर डॉक्टर आर एन वाजपेयी जी है जो दिल्ली रूप से हमारे भोजन रथ है, सीता रसोई का भोजन रथ, उससे आज जो है डॉक्टर आर एन वाजपेयी जी अपनी माता जी की पुण्यतिथि में आयोजित कराई जा रही है। दोनों साथियों ने हमारी धर्मशाला जो सनातन संस्कृति धर्मशाला है उसमें 50-50 कुर्सियों का भी अनुदान किया गया है, तो मैं बहुत तहे दिल से आप दोनों का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।